हाय गाइस, दिस इज वाह मंदानी, यू आर वाचिंग, क्या बोलना हाय गाइस, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल जी साहब सब दुबई बॉस। आज हम लोग जा रहे हैं ओमान, थोड़ा सा एक ट्रिप था। मेरे साथ वाह मंदानी है। वाह भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आज कैसे लग रहा आपको? बस आपके साथ जा रहे हैं, पहला ट्रिप है। और हमारे साथ एक और भी है, हुसैन साहब। हुसैन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मदद से। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं ओमान, अपने साथ रहेगा। आज आपको ट्रिप दिखाते हैं ओमान में होता क्या क्या है और कैसे रहता है। तो जब वाह भाई, कोई नई दादी? बस ठीक ठाक यासिर भाई, आपके साथ आए आज। आज देखते हैं कि आज ट्रिप कैसा रहता है। मेरा फर्स्ट ट्रिप है ओमान के लिए। गर्मी कैसी है ओमान का? गर्मी तो बहुत बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। अनचेक है गर्मी का? गर्मी नॉर्मल है सर। हाँ सर, गर्मी नॉर्मल है, बहुत ही गर्मी। तो आपसे हसनैन जाफरी साहब बताएंगे कि कैसी गर्मी है, वो आया हुआ है। कैसा रहा आपका? बस गर्मी इतनी है कि बाहर निकलने को नहीं चाहता है। भाई फिर भी आपको गर्मी लगे, कुछ लगे, आपको बोलना चाहिए कम टू दुबई, गरीबो अभी भी कम टू दुबई। तो ये है, देखते साथ रहेगा। आज कहाँ जाना है, क्या करना है, देखते हैं। आज हमने कुछ प्लान करते हैं, आज अच्छा था। सी गाइस, वी आर ऑन द वे टू ओमान। इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में कनेक्ट होते हैं। गाइस, आज हमारा बहुत लंबा ट्रिप है ये, और हमने अपना कुछ सामान भी रखा हुआ है। रात को कहीं हमें स्टे करेंगे पहाड़ों में, जंगलों में, तो वहाँ पे कुछ खाना वाना भी बनाएंगे, तो वो सामान भी हमने रखा हुआ है। अब देखना ये है कि ये ट्रिप कैसा रहता है हमारा, लेकिन गर्मी बहुत है। अब ये सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत है कि हम क्या करें, कहाँ रुकेंगे रात को। तो बस आइए, व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी जो है वो वहाँ वहाँ भाई साथ हैं, वहाँ भाई कुछ ना कुछ करेंगे अरेंजमेंट। वहाँ भाई जी जी, जरूर जरूर जरूर, कुछ ना कुछ तो अच्छी है अरेंजमेंट इंशाल्लाह होगी होगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपका। वैसे कहाँ पे, वहाँ पे ले गए वीडियो? वहाँ की ले गए वीडियो? इधर उधर मोड़े तो है। ठीक है सर, ठीक है, दिखाए हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। हम लोग मलिया क्रॉस कर रहे हैं, हम मलिया में सर, शारजा मलिया। गाइस, एक कुछ अच्छी खबर नहीं है, गाड़ी हमारी थोड़ी हिटअप हो गई है, गाड़ी बंद हो गई है, और अब हम गाड़ी में बैठे हैं, अब वेट कर रहे हैं। बाहर निकले तो बेइंतहा गर्मी, खतरनाक धूप है, और अब गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब कहाँ जाएं, ये बीच डेजर्ट में फंसे हुए हम लोग। ये आप डेजर्ट देखें, यहाँ फंसे हुए हम लोग। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। वहाँ भाई क्या बोलेंगे सर? सर मैं क्या कहूँगा, हंसने का ही मकाम है और कुछ नहीं। आप इतने माशाल्लाह, जिस तरह आपने प्लानिंग की थी और लाए थे, और आपकी गाड़ी खराब हो गई। सर ये तो एक अनहोनी वाली बात है ना, अपनी गाड़ी ले आता। ये तो अनहोनी वाली बात है, ये तो अनहोनी वाली बात है। पाकिस्तान से आया घूमने के लिए, अरे और आपने उनका ट्रिप ठट्टा वाला बना दिया। सर ठट्टा वाला नहीं बनाया, अब ये तो एक अनहोनी वाली बात है। अब हो गए बैठे हैं, अब क्या करें, आप करना क्या, आगे क्या होगा भैया ये बताओ। अभी फिलहाल अभी खाली आप वेट करो। इतनी तैयारी में आया था कि जैसे आपके साथ जा रहा हूँ, और आपकी गाड़ी बंद हो गई। इससे अच्छा तो मैं अपनी गाड़ी ले आता। हाँ। मैं किसी फ्रेंड से ले लेता। निसान पेट्रोल खड़ी हुई, निसान पेट्रोल थी, मेरे पे फरारी खड़ी हुई थी कोने पे, मैं वो नहीं लाया। मुश्किल नहीं थी गाड़ी की भाई, अब गाड़ी बंद हो गई, मैं नहीं क्या बताओ भाई, धूप से बुरा हाल है, खाएंगे क्या, करेंगे क्या। आपने तो यहाँ मिट्टी में फंसा दिया है, ना बंदा ना बंदे की जात। एक खाली कंटेनर खड़ा हुआ है,
गाड़ियाँ जा रही हैं और हम बैठे हुए हैं बेचारों मददगार। भाई खाने का मतलब नहीं है, खाने का सामान है लेकिन अनकुक है, यानी लकड़ियाँ हैं, ठीक है, टमाटर है, चिकन है, अंडे हैं, ये है, लेकिन लकड़ियों पे बनेगा। अगर आपको जला सकते हो लकड़ियाँ गर्मी में बाहर तो आप बना लो भाई। चलो कोई नहीं, लेकिन एक तरीका है भाई। क्या? गर्मी इतनी है, 50 सेंटीग्रेड है गर्मी, और रेगिस्तान में है, रेत वैसी एक आग हो रही होगी। अगर हम कोई फ्राई पैन रखे, अगर अंडा तल दें आपके लिए वो अच्छा रहेगा? अंडा खाने का मूड है सर? खाना तो कुछ भी मिल पक्का पक्का भी अंडा भी मिल रहा है भाई। फिर वहाँ भाई, जब तक हम अंडा तलते हैं, जब तक हम अंडा तलते हैं बिना आग के, बिना चूल्हे के, सिर्फ रेत पे हम अंडा तलते हैं वहाँ भाई के लिए। उसके बाद जब तक गाड़ी भी हमारी ठंडी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, फिर हम गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर हम आगे चल जाएंगे। फिर हम जाके, अभी पानी भी नहीं है हमारे पास, तो पानी भी हमारे पास खाली एक ही छोटी बोतल है, वो भी आधी से ज़्यादा कम है, तो हम क्या करेंगे नहीं समझ में आ रहा। बाकी हम देखते हैं अभी, फिर ठीक है सर, अंडा तलते हैं भाई। चलो उतरते गाड़ी से, थोड़ी सी गर्मी में आते हैं और फ्राई पैन निकालते हैं, ठीक है? चलो गाइस, अब हम फ्राई पैन निकाल लें अपना, देखते हैं कि फ्राई पैन लो। ओ बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, खतरनाक गर्मी है। तो सर भाई कहाँ ले आए हो इतनी गर्मी में, यहाँ अंडा खिलवाओगे? क्या करेंगे सर, अब करना है, आइए आपको खाना खिलाएं, गर्मी बहुत है, आओ। तो मान लेकर जाने वाले आगे रास्ते में रुकवा दिया भाई, ये 10 मिनट को छोड़ेंगे लाजिम, कंफर्म गर्मी इतनी है कि अंडा तल जाएगा आपका। और भी बोले तो खाना कढ़ाई वढ़ाई भी बन जाएगी आपकी इसमें। नहीं नहीं सर, आप अंडा खिलवा दे भाई, बड़ी बात। बस ठीक है, अब थोड़ा वेट करें, 5 मिनट छोड़ते हैं, जब तक हम थोड़ा टहल लगा के आते हैं, गर्मी का और थोड़ा मजा लेते हैं, उसके बाद आके फिर हम अंडा फ्राई करते हैं, ठीक है भाई? 10 मिनट के बाद। तो खुश तो है ना सर? सर बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने रास्ते में गाड़ी रुकवा के जो हाल किया हमारा, वो याद रहेगा। सर बहुत गर्मी है सर, खतरनाक गर्मी है। खतरनाक, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, खतरनाक गर्मी है सर। भाई ये मेरे ख्याल में गरम हो गया होगा, तो थोड़ा तेल डाल दें। तेल डाल के छोड़ दें भाई, फिर 5 मिनट छोड़ दें, 100% अंडा बनेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरे ख्याल में टाइम हो गया 10 मिनट, अब अंडा तोड़ दें, करीब दिखा कन्फर्म बनेगा। दिखा भाई, भाई कन्फर्म बन रहा है अंडा, कम टू दुबई, जबरदस्त हो गया यासिर भाई। भाई ये अंडा बना रेत में, यहाँ की गर्मी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आप रमल पे अंडा बना सकते हैं। क्या करते हैं भाई, आप अंडा की हालत देखें, अंडा दिखा करीब से दिखा भाई, क्या कहते हैं
सर जी जबरदस्त हो गया, अंडा हो गया तकरीबन, थोड़ा सा रह गया खाली, वो भी बन जाएगा थोड़ी देर में। तो इस जमीन पे दुबई में रमल के बीच में हम अंडा बनाया अपने रेत में। जी जय साहब, स्टार्ट गाइस। अंडा हमारा बन गया, रेडी हो गया, बहुत मजेदार, लेकिन खाया नहीं हमने, सिर्फ शक्ल से मजेदार था वो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी चली गई थी, क्योंकि हवा भी चल रही है, मिट्टी चली गई थी काफी, क्योंकि हम खा नहीं पाए। लेकिन ये है कि गाड़ी हमें पानी मिल गया था, तो गाड़ी हमारी सही हो गई अभी फिलहाल। तो अभी हम वापस जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि गाड़ी चेंज करते हैं, क्यों बाप भाई, गाड़ी कौन सी उठाएंगे आप, क्योंकि आज का मैं खाना, आज का प्लान तो टाइम तो निकल गया है, अब क्या करें, बोले आप बोले, जाकर मेरी गाड़ी उठा लेते हैं, वरना या तो फिर संडे को कर लेते हैं प्रोग्राम। संडे को चले जी, संडे को रख लेते हैं, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया और शाम होने वाली है, तो फिर जो प्रोग्राम है वो उस तरह रह नहीं सका। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि हम संडे को ही रख लें, आज का दिन तो कंप्लीट हो गया तकरीबन। बस ये कि एक अच्छा तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि अंडा बना कर देख लिया, खाया नहीं किया बट अंडा बना लिया। लेकिन गर्मी है बहुत ज़्यादा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, गर्मी है, इवन मोबाइल्स गाड़ी सब हीटअप हो जाती है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इंसान यहाँ कहता चल रहा है, वो दुबई में रहने वाला ही जान सकता है कि अभी इस वक्त क्या कहता है। और हबीबी कम टू शारजा। हसन भाई आप बताइए, क्या क्या सूरत हाल है? गर्मी बहुत थी, डिहाइड्रेशन हो रही थी, और गाड़ी भी माशाल्लाह हमारी सही हो गई, तो अब आगे जाने की हिम्मत तो वैसे भी नहीं है, तो इसलिए घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग फिर अभी क्या करते हैं, कुछ हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं अभी, क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा मुझे भी लग रही है अभी। और वाह भाई ने तो उसमें घर में सुबह तक कुछ खाना भी नहीं खाया, इसी चक्कर में कि हम लोग वहाँ जाके कुछ कढ़ाई वढ़ाई बनाएंगे, हल्का सामान रखा हुआ है कढ़ाई बनाने का पूरा, तो यही था हमने को बकरा वकरा साथ लेके जाएंगे, पूरा काटेंगे वहीं, बकरा वहीं ज़िबा करेंगे, खाल जो है वो मुत्तलों को भेज देंगे, ठीक है ठीक है। और बाकी जो है अभी यस्टर साहब, अभी का खाना आपके ऊपर ड्यू है, आप खिलाओगे खाना? हाँ खाना खाना मुश्किल नहीं है, खाना मैं नहीं। सुबह से कुछ ना खाया हुआ हूँ और यहाँ आ गया, मैंने कहा कि आज यासिर भाई के साथ जम के कुछ खाएंगे पियेंगे, वही पाकिस्तानी शादी वाला मैंने सीन किया, सुबह से कुछ नहीं खाना, अब आकर खाऊंगा, बट मिला कुछ नहीं। होता है सर, होता है कभी कभार होता है सर, टेंशन नहीं ले आप, कुछ ना कुछ करेंगे आपको, कुछ खिलाएंगे आपको, फिक्र नहीं करें। पर खाना क्या आपको ये बताइए, कोई देसी खाते हैं सर? सर खाना खिलाएं ऐसा जो हो प्योर अमीरो वाला, प्योर अमीरो वाला खाना चाहिए। अमीरों वाला खाना चने की दाल फ्राई चलेगी, क्योंकि आपको पता मैं शेखों की गुलामी तो करता नहीं। हाँ सही बात है, तो प्योर मेरा अपना अमेज़न पे काम है, गरीब हो तो खाना मांगता है अमीरों वाला, ये मुश्किल नहीं है, तो खाना खिलाएंगे आपको अमीरों वाला, बेहतरीन चने की दाल फ्राई या फिर माश की दाल फ्राई। सर आप माश की दाल ही खिला दें, बट चिकन के तड़के वाली क्या अमीरो वाला टच आ जाए, तो ये खाना खिलाते। बाकी ये है कि भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जाएंगे ओमान, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे जाते हैं ओमान, और अगर गाड़ी ने साथ दिया हमारे, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, 51 डिग्री है, और इसमें शायद कोई भी गाड़ी जो होगी वो हीटअप कर जाएगी, तो हमें मालूम नहीं था इतनी गर्मी होगी, क्योंकि मैं भी सुबह से निकला हुआ था, तो अभी हम यहाँ पहुँचे थे बस, तो इसलिए गाड़ी हमारी हीटअप हो गई, तो हमने रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रास्ते में दोबारा कहीं बंद हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी तो चलो हम घर के कोई 2-2.5 घंटे के फासले पे हैं, तो हम घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वीकेंड पे आपको ओमान दिखाते हैं, तो ओमान कैसे जाएंगे और मज़ेदार ट्रिप मारेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर आपको बताते हैं। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। यार तुम हंसे ना, तुम्हारी हंसी ना मेरे को उस दिन भी बहुत कितना मरवा रही थी यार, बहुत हंसता है यार। हाय गाइस, दिस इज मंदानी, यू आर वाचिंग यार तुम्हारे चैनल का नाम क्या? जी हाँ चल रहा है भाई, एडिट कर लेना।
यार शुरू से ही बैठे हैं, बोले नहीं करते, फर्स्ट टाइम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कमरे पे जा रहे हैं लगा यार, ना करो यार। हाय गाइस, दिस इज वहाब मंदानी और यू आर वाचिंग ये साहब चैनल।